नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 15 मई 2019, और अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जो स्टॉक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में देता हूं, जो स्टॉक मैं अपने यूट्यूब स्टार के यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन में देता हूँ, उन सारे स्टॉक्स ने क्या परफॉर्मेंस किया आपके लिए, किसमें टारगेट हिट हुआ, किसमें स्टॉप लॉस, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने टाइटन का स्टॉक दिया था 3 स्टार सेक्शन में, अपने यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन में टाइटन। तो टाइटन के स्टॉक्स को यहाँ पे लोग ओपन कर लेते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, और ये पहली कैंडल है। हमें बाय करना था दोस्तों 1165 के ऊपर, 1165 के ऊपर हमें बाय करना था टाइटन में। हाँ, 1165 के ऊपर बाय करना था। तो शुरू के 5 मिनट में ही स्टॉक ने 1167 का हाई लगाया, यानी आज ओवरऑल हाई वही था वन। दोस्तों जरा सा कॉल आ गया, तो उसके टाइटन तो शुरू के 5 मिनट को इग्नोर करना। उसके बाद स्टॉक 1165 के ऊपर निकला नहीं, सेल करना था 1150 के नीचे। तो 1150 के नीचे आज ये स्टॉक आया नहीं, तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वापस से 1165 के ऊपर अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करें, तो ये किस वक्त जाता है, ये लगभग 11 बजे के पास गया। जो स्टॉप लॉस हमारा था 159 का था, उसने हिट भी नहीं किया हमारा स्टॉप लॉस। यानी ओवरऑल नो प्रो ओवरऑल आप इसमें लॉस में ही रहे होंगे, पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको मान के चलूंगा कि लॉस में था। चलिए, अगला स्टॉक था मेरा एनआईटी टेक। अगला स्टॉक जो मैंने दिया था एनआईटी टेक, 1262 के ऊपर बाय करना था। 1262 के ऊपर एनआईटी टेक को बाय करना था, और स्टॉक के 5 मिनट का ये है पहला चार्ट, छोड़ देना इसको। उसके बाद सेल जो करना था 1250 के नीचे, स्टॉक 1250 के नीचे नहीं आया, तो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 1262 के ऊपर अगर हमें बाय लेना है, 1262 के ऊपर यहाँ कहीं आपने बाय लिया, और स्टॉप लॉस आपने इस कंडीशन में जो लगाया है 1256 का, तो 1256 का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसमें भी आपको लॉस हो गया, एनआईटी टेक में भी आपको लॉस ही हो गया। चलिए, अब आईसीआईसी प्रू लाइफ, आज सारा रेंज बाउंड हो गया, पूरा का पूरा रेंज बाउंड स्टॉक है। ऐसे ऐसे प्रू लाइफ को हम लोग चेक करते हैं, 339 के ऊपर बाय करना था, तो शुरू के 5 मिनट छोड़ दें, उसके बाद 339 ना, ऐसे ऐसे अच्छा ये बैंक खुल गया, ICICI प्रू लाइफ या हाँ 339 के ऊपर बाय करना था। यहाँ स्टॉक शुरू के 5 मिनट ये सीधे 342 की तरफ चला जाता है, ओपन होने के साथ 5 मिनट में ये पहला टारगेट था। तो अब हमें बाय साइड का एग्जीक्यूट ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि नियम यही है कि अगर शुरू के 5 मिनट में ही पहली टारगेट आ जाता है, तो उस तरफ अब हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें अब ट्रेड करना है कब, जब वो सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा तब। तो हमारा पास ये सेल का जो था 330 के नीचे, 330 के नीचे, 330 के नीचे स्टॉक आया ही नहीं, तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसमें नो ट्रेड हुआ। ओवरऑल आपका इसमें जो 3 स्टार में दिया था वो ओवरऑल सही परफॉर्मेंस नहीं रहा, एकदम खराब रहा। अब जो हमने अपने YouTube चैनल के अलावा जो टेलीग्राम पर देता हूँ 3 स्टॉक्स, उसका अगर रिव्यू करें, तो यहाँ विप्रो दिया था 286 के ऊपर बाय का, विप्रो 286 के ऊपर बाय का पहला स्टॉक था। तो हम लोग विप्रो को चेक करने की कोशिश करेंगे। 286 ये पहली कैंडल ये है रेड वाली, 286 के ऊपर गया नहीं स्टॉक, तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सेल करना था 283 के नीचे, अगर 283 के नीचे आपने यहाँ कहीं सेल किया यहाँ पर, तो पहला टारगेट 280 का होगा, 281। तो आपको देखिए इसने 282.80 का लगभग पहला टारगेट तो नहीं दिया, वापस आपका स्टॉप लॉस शायद हिट किया होगा इसने वापस से। तो आईटी सेक्टर में आपने इंफोसिस में विप्रो में लॉस खाया, और एनर्जी टेक दोनों में लॉस खा लिया, इसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाद में किया होगा तो एक टारगेट आया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इंफोसिस को देखने की कोशिश करें, इंफोसिस को 720 के ऊपर बाय दिया था, 720 के ऊपर यहाँ कहीं पे आपने बाय किया, अब तो पहला टारगेट 725 था, तो 725 का टारगेट आपको अचीव हो गया इंफोसिस में। 710 के नीचे सेल था, तो 710 ये स्टॉक आया ही नहीं, तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तीसरा स्टॉक कौन था, ग्रासिम, ग्रासिम ही था ना इसमें, विप्रो इन्फो और ग्रासिम, 852 के ऊपर बाय और 840 के नीचे सेल। तो हम लोग ग्रासिम भी देख लेते हैं, मार्केट आज पूरा रेंज बाउंड था शुरू में ना, बाद में मार्केट में कुछ स्टॉक्स में अच्छे खासे मूवमेंट थे, बाकी कुछ चल नहीं रहा था, फिर भी चली 852 के ऊपर बाय करना था ग्रासिम, तो 852 ऊपर गया नहीं, बात खत्म।
840 के नीचे सेल करना, तो यहाँ पे हमने सेल किया इस जगह पर। पहला टारगेट 834, तो 834 का टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो गया, 834 फर्स्ट टारगेट, और फर्स्ट टारगेट 834 का यहाँ सेल हो गया। दूसरा टारगेट 828 का, यहाँ पे भी आपको टारगेट दूसरा 828 का मिल गया, 828 का। तीसरा टारगेट 822 का था, वो भी लगभग आपको यहाँ पे अच्छा खासा 822 का टारगेट दे दिया। तीनों टारगेट ग्रासिम ने हिट करके आपको दिए, तो इसलिए ग्रासिम में प्रॉफिट आया, इन्फोसिस में एक प्रॉफिट आया, विप्रो में आपका एसएल कट गया, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, एनआईटी टेक में हमारा एसएल कट गया होगा, टाइटन में भी आपका शायद एसएल कट गया। ठीक है, तो ओवरऑल आज एवरेज रहा हमारा मार्केट, हमारा स्टॉक्स खास मूवमेंट नहीं गया। तो दोस्तों ये था मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर रिव्यू ईमानदारी से क्या लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों एक लाइव मार्केट में भी टेलीग्राम पर दिया था, वो मैं भूल गया बताना, यहाँ मैंने हिंडालको को दिया था 194 के ऊपर बाय करने के लिए, 194.50, टारगेट 197 का था। तो हिंडालको को हम लोग देखते हैं, मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया था हालांकि 196 के आसपास में, बाय करना था हमें यहाँ पे 194.50 के पास में, टारगेट 196 का था लगभग। तो 196 का टारगेट अच्छा खासा आपको यहाँ पे अचीव हो गया हिंडालको में, तो 197 दिया था लेकिन 196 के पास मैंने लगभग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया था, बुक सम प्रॉफिट इन हिंडालको। तो ये था दोस्तों मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।